हाय एवरीवंस फ्रेंड्स, तो आज मैं फिर यहाँ नई रेसिपी लेके आ चुकी हूँ। अगर कुछ मीठा खाना है तो इस रेसिपी कंटिन्यू बने रहिए। तो ये आज का रेसिपी है कलाकंद। जी हाँ, केला का कलाकंद। ये आप तो बहुत तरह का कलाकंद खाए होंगे, बस इस तरह का कलाकंद ना ही आपने देखा होगा और ना ही सुना होगा। सच्ची मानिए, ये मैं आपके लिए खास, जी हाँ, मैं आपके लिए खास कुछ मीठा इस बार जो है बना के लाई हूँ। तो इस रेसिपी को जो है ज़रूर देखिए। अगर अच्छा लगता तो लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा, और आप मेरे चैनल बने हैं तो एक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो यहाँ हमने पके हुए 12 केले लिए हैं, जी हाँ, और अच्छी तरह से कट कर लिए हैं। और यहाँ पर हमने हल्का, जिसको बोलता है सुषुम, यानी कि रूम टेम्परेचर में जो है 200 ग्राम हमने दूध लिया हुआ। तो सभी को अच्छी तरह से मिला के मिक्सर जार में जो है इसे अच्छी तरह से पीस लें, और फिर जो है इसका बैटर को तैयार करके दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लें। और उसके बाद इसे अच्छी तरह से फेंट के 5 मिनट के लिए छोड़ के रख दें, यानी ढक के रख दें। उसके बाद यहाँ पर जो है गुड़, जी हाँ, गुड़ जो है 150 ग्राम गुड़ को अच्छी तरह से या तो कद्दूकस कर लें, और नहीं तो आप जो है छुरी छुरी की सहायता से इसे अच्छी तरह से आप जो है काट लें, सभी को बारीकी जो है काट लें। और उधर हमारा बेटर जो है वो अच्छी तरह से फूल रहा है। और यहाँ हमने गुड़ लिया है, आप एक कप छोटे कप से पानी में जो अच्छी तरह से गुड़ को घोल लें, और जितना भी नीचे का जो ये डस्ट है या जो भी वेस्टेज पदार्थ उसको हटा दें और इस तरीके से इसे फेंट लें। और यहाँ पर जो है हमने कढ़ाई चढ़ाया हुआ है, यहाँ पर जो है हमारा नॉनस्टिक कढ़ाई है, और यहाँ पर हमने देसी घी लिया है 2 चम्मच, आप कोई भी कढ़ाई में बना सकते हैं। और यहाँ पर जो है हमने ड्राई फ्रूट लिया है, पिस्ता लिया है, और यहाँ पर काजू लिया है, आप और भी कोई भी इसमें मिक्स कर सकते हैं, कमजदा कर सकते हैं आप इसे। तो इस अच्छी तरह से इसे फ्राई करके आप सभी को निकाल लें, छोटे छोटे आकार में कट करके रख लें। और यहाँ पर ये बचे हुए घी में आप जो है 1 कप या छोटी कटोरी से हमने 1 कटोरी जो है गेहूं का आटा लिया। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ गेहूं का आटा लें और इसे अच्छी तरह से भून लें। और भुनने के बाद जो ये बेटर है केला का, इसे सभी को अच्छी तरह से डाल लें और अच्छी तरह से जो चारों तरफ से मिला लें। ये बिल्कुल इसमें गांठ न फटने दें, इसे छोड़ के ना जाएं, और इसे अच्छी तरह चलाते रहें, इसी तरह 5 मिनट तक जो है चलाते रहें ताकि इसका जो है स्वाद अच्छा आए। और इसमें जो है आप ड्राई फ्रूट जो कट किए हुए थे आधा इसमें डाल दें, और यहाँ पर जो है फूड कलर हमने डाला हुआ है, तो अच्छी तरह से डाल के सभी को जो है मिला लें, मिक्स कर लें अच्छी तरह से। ये जो है इसमें कलर देने वाला ऑप्शनल है, चाहे तो इसे ना दें। और यहाँ हमने गुड़, गुड़ का जो यहाँ हमने जो है बनाया हुआ था घोला, इसे अच्छी तरह से आप डाल के और अच्छी तरह से देख रहे हैं कि हम मैं किस तरह से मिला रही हूँ, कलर किस तरह से आ चुका है। इसी तरीके से आप जो है इस रेसिपी को बना सकते हैं झटपट घर पर, और बना के खुद खा सकते हैं, सभी को खिला सकते हैं, आपके गेस्ट आते हैं तो उनको भी खिला सकते हैं, किसी भी पूजा ओकेजन में आप इसे भगवान का भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ हमने 2 चम्मच देसी घी को डाला हुआ है फिर, ताकि इसका जो है सुगंध अच्छा है। और यहाँ हमने, हाँ एक बात और है, यहाँ आप जो है चीनी डालना चाहें तो डालें, और नहीं तो गुड़ की मात्रा को बढ़ा लें। तो हमने यहाँ चीनी डाला हुआ है, जी हाँ, इसमें ना खोआ है ना मलाई है, और इसीलिए यही कलाकंद का टेस्ट देने वाला है आज, इसीलिए हमने यहाँ 1 कप जो है चीनी को ऐड किया हुआ है। तो इस तरीके से चीनी को आप ऐड कर लें। और यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर नारियल का कद्दूकस किया हुआ था, आधा मैंने डाल दिया, आधा रख दिया है। आप चाहें तो यहाँ नारियल को जो है सूखी नारियल गड़ी को आप डालेंगे तो वो ज़्यादा टेस्ट देता है, वो ज़्यादा बेटर रहता है, उसको आप जरूर डालिए। तो यहाँ हमने जो है इलायची डाले, इलायची के दाने डाले, 4 इलायची के दाने, आप इलायची का पाउडर इसमें डाल सकते हैं। तो यहाँ अच्छी तरह से सभी को फेंट लें, देख रहे हैं किस तरह फेंट लें, फेंट के इसे ठंडा होने के लिए 5 मिनट तक रख दें। उसके बाद यहाँ एक थाल लें, इस तरह से चारों तरफ से जो है बना होना चाहिए गड्ढा, और नहीं तो आप जो है बर्फ़ी का टीन लें और इस तरह से बटर या घी आप चारों तरफ लगा दें। उसके बाद इस तरीके से डाल के सभी को आप देख रहे हैं किस तरह मिला दिए हैं हम, इस तरीके से मिला दें अच्छी तरीके से, हाँ देख रहे हैं। तो और इस पर से जो है आप ड्राई फ्रूट जो हम कट किए हुए थे आधा बचा कर रखे थे इसमें अच्छी तरह चारों तरफ से फैला दें। और इसमें अगर ड्राई फ्रूट ज़्यादा दीजिएगा तो खाने में ज़्यादा टेस्ट लगता है, आप बढ़ा भी सकते हैं यहाँ पर। और यहाँ हमने डाला हुआ है नारियल का कद्दूकस किया हुआ, आप गड़ी डाल सकते हो, चेरी डाल सकते हो, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए घर पर।
तो इस तरीके से सभी को अच्छी तरह से करके और कम से कम आधा से एक घंटा तक फ्रिज में इसे अच्छी तरह से सेट होने के लिए रख दें। तो देख रहे हैं किस तरीके से ये सेट हो रहा है, अच्छी तरह से ये सेट हो जाता है। उसके बाद फिर क्या, फिर इसको निकालिए और अच्छी तरह से कट कीजिए। तो यहाँ देख रहे हैं कि हमारा सेट हो चुका है। तो हाँ, इस तरीके से आप इसे कलाकंद का पीसेस ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने जो है कलाकंद का पीसेस किया हुआ है, आप देख रहे हैं। इस तरीके से आप दूसरे प्लेट या ट्रे में इसे सजाएं और आप सर्व कीजिए। कोई भी फ्रेंड आपके आए, कोई भी आपके जो है रिलेशन आए, आप सर्व कीजिए इस तरीके से, अच्छी तरह से इस सभी को। देख रहे हैं तो ये रेसिपी जो है एक बार जरूर ट्राई कीजिए घर पर और बहुत ही अच्छा लगेगा। और कुछ मीठा खाने का मन करता है तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई कीजिए। केला का कलाकंद जो है बहुत ही टेस्टी है और इसे आप जो है 3 से 4 दिन या 1 सप्ताह तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। और अभी जो है नवरात्र का महीना स्टार्ट होने वाला है, उसमें भी आप ये बना के भगवान का भोग लगाएं और फिर आप खाएं और सभी को खिलाएं। तो ये रेसिपी अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसी तरह का रेसिपी अगर लक्ष्मी की रसोई में आप सभी को जो है कंटिन्यू चाहिए अभी, क्योंकि अभी नवरात्र का थाल जो है इसमें आने वाला है, नवरात्र का थाल जो है बन रहा है। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।